दोस्तों जब टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे अंतिम दो गेंद पर 10 रन स्ट्राइक पर थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा गेंदबाजी से जलवा दिखाने को बेकरार थे। श्रीलंका दिग्गज वानिंदु हसरंगा तब अंतिम दो गेंद पर कप्तान हिटमैन ने महेंद्र सिंह धोनी बनते हुए किया ऐसा चमत्कार मचा दिया पूरे क्रिकेट जगत में बवाल। तो आखिर सांस रोक देने वाले इस पहले वनडे मुकाबले के सुपर ओवर में ऐसा क्या हुआ जिसे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए कि अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर रोहित लहरा पाए भारत का परचम। किसने मारी अंतिम गेंद पर बाजी, दिलों की धड़कने बढ़ा देने वाले इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित विराट और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जब इंडिया और श्रीलंका की दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले महामुकाबले के लिए कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने आई तब सांस रोक देने वाले इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा क्रिकेट जगत उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। आपको बता दें जब पहले वनडे में श्रीलंका की क्रिकेट टीम भारत के सामने केवल 230 रन बनाकर घुटने टेक गई थी, भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे उनके बल्लेबाज को पूरी तरीके से बेबस नजर आए, तब जहां एक तरफ सबको लग रहा था कि टीम इंडिया बड़ी आसानी से 30 से 40 ओवर में ही यह मुकाबला जीतने वाली है, लेकिन श्रीलंका की क्रिकेट टीम अपनी धरती पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखा जाए कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां दोस्तों, हालांकि भारतीय कप्तान ने टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी, लेकिन केवल 47 गेंद में ही 7 चौके 3 छक्कों से सजी 58 रनों की बेमिसाल पारी खेलने वाले रोहित ने 10 ओवर में टीम इंडिया के 71 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन जैसे ही रोहित आउट हुए भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। विराट कोहली 24 से श्रेयस अय्यर केवल 23 रन बना पाए। हालांकि राहुल और अक्षर पटेल ने 50 रनों की साझेदारी बनाकर टीम इंडिया को संभाला, लेकिन राहुल भी 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि शिवम दुबे ने अंत तक लड़ाई करी, लेकिन जैसे 24 गेंद पर 25 रन बनाकर यह खिलाड़ी आउट हुआ पूरा मैच फंस गया। अंत में बैटिंग करने आए अर्शदीप सिंह एक गेंद में एक भी रन नहीं बना पाए, उन्हें श्रीलंका ने LBW किया और श्रीलंका ने इस हारे हुए मैच को ड्रॉ कर दिया। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। ये मैच टाई होने के बाद दोनों कप्तान और एम्पायरों ने मिलकर डिसीजन लिया कि एक एक ओवर का सुपर ओवर खेला जाएगा। ऐसे में नियमों के मुताबिक एक बार फिर श्रीलंका को सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। श्रीलंका की तरफ से इस मिले मौके पर रनों की बरसात करने के इरादे से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस, वहीं सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह। लेकिन सुपर ओवर में उनकी किस्मत बेहद खराब रही। पहले दो गेंद पर ही पाथुम निशंका ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए थप्पड़ की तरह दो करारे चौके जड़े, तो जाते जाते कुशल मेंडिस ने अंतिम गेंद पर स्टेडियम पर तूफानी छक्का जड़कर इस सुपर ओवर में 17 रन ठोक डाले थे। अब भारतीय टीम को 18 रन 6 गेंद में हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। ऐसे में टीम इंडिया की तरफ से अपनी गलती सुधारने सुपर ओवर में तहलका मचाने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग विराट कोहली की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। उनके सामने चुनौती लेकर खड़े थे श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज वानिंदु हसरंगा। स्ट्राइक पर मौजूद थे रोहित शर्मा। हसरंगा की पहली गेंद पर रोहित ने चालाकी दिखाते हुए चीते की रफ्तार से 2 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। हसरंगा की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन वो केवल 1 रन बटोर पाए। दोबारा से मैच धीरे धीरे फंस रहा था। अब विराट कोहली स्ट्राइक पर जा चुके थे। जीत के लिए 4 गेंद पर 15 रनों की जरूरत थी। ऐसे में विराट कोहली ने तीसरी गेंद पर अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से शानदार चौका जड़कर लंका खेमे में हड़कंप मचा दिया और मैच को रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंद पर 11 रनों की जरूरत थी। दुआ मांग रहे थे लोग, लेकिन तभी चौथी गेंद पर विराट कोहली भी केवल 1 रन बटोर पाए और रोहित शर्मा को स्ट्राइक पर भेज दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 2 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी। वानिंदु हसरंगा ने अब तक तो बेहतरीन गेंदबाजी की थी, वहीं दूसरी तरफ हर कोई रोहित शर्मा से जीत की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था। सबकी निगाहें रोहित शर्मा पर टिकी हुई थी। तभी फैंस को 2020 न्यूजीलैंड दौरे की याद दिलाते हुए हसरंगा की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और मिडॉन के ऊपर से 90 मीटर लंबा शानदार छक्का जड़कर मैच को भारत के पक्ष में ला दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 1 गेंद पर 4 रनों की और जरूरत थी। फिर रोहित ने किया कुछ ऐसा कि शायद हसरंगा भी जीवन भर उसे नहीं भूल पाएंगे। जी हां, अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही सीधा स्टैंड में शानदार छक्का जड़कर भारतीय टीम को सुपर ओवर में कभी न भूलने वाली जीत दिला दी और वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया 1-0 से शानदार बढ़त ले गई। ये सुपर ओवर का रोमांच देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई हक्का बक्का रह गया। श्रीलंका को तो भरोसा ही नहीं हुआ कैसे रोहित शर्मा उनके हाथों से ये जीता हुआ मैच छीनकर भारत की झोली में ले गए। लेकिन कप्तान रोहित ने एक बार फिर कमाल कर दिया और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, ये शानदार सुपर ओवर का महामुकाबला देखने के बाद अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज
सीरीज के समापन के बाद वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच आज कोलंबो के मैदान पर खेला गया। इस मैच में आज भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 230 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाने के बाद 50 ओवर में रोक दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई भारतीय टीम ने तेजी से बल्लेबाजी की और इस लक्ष्य का पीछा करने का प्रयास किया। हालांकि भारतीय टीम ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य को अपने नाम लगभग कर लिया था, लेकिन अंत में भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरते हुए चले गए और अब भारतीय टीम 47.5 ओवर में ऑल आउट 230 रन पर हो गई, जिसके चलते मैच टाई हो गया। ऐसे में मैच के टाई होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा जब प्रोटेक्शन सेरेमनी के दौरान अवार्ड लेने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने अवार्ड हासिल करने के बाद श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका को अपना अवार्ड समर्पित कर दिया। हालांकि रोहित शर्मा के अवार्ड समर्पित करने के बाद हर कोई इच्छुक कि रोहित शर्मा ने ऐसा क्यों किया। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपने अपना अवार्ड विरोधी टीम के कप्तान को क्यों दिया, तो इसके पीछे का खुलासा करते हुए रोहित शर्मा ने बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज के दिन भारतीय टीम को बड़ी जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय टीम इस मैच को जीत नहीं पाई है। हालांकि इस मैच में हमारी टीम को जीत नहीं मिली और ना ही हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन मुझे इस मैच में ये टाई गेम एक बेहतर सबक के तौर पर दिखाई दिया है, जिसको मैं कभी भी नहीं भूलना चाहता हूं। ऐसे में इस मैच के अंदर अगर किसी खिलाड़ी के चलते भारतीय टीम को जीत नहीं मिली है, तो उसे खिलाड़ी का सम्मान करना विरोधी कप्तान होने के नाते बेहद जरूरी है। ऐसे में आज अगर हमारी टीम को जीत नहीं मिली है, तो उसके पीछे की असली वजह श्रीलंकाई टीम के कप्तान चरित असलंका है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इन्होंने अपनी कप्तानी के जरिए आज गेंदबाजों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। हालांकि वो अपनी बल्लेबाजी से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से कंडीशन को समझा और बेहतर तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, साथ में खुद कप्तान के तौर पर आगे जाकर टीम को मजबूती के साथ जीत दिलाने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। वो बताता है कि ये खिलाड़ी श्रीलंका टीम के लिए क्यों जरूरी है। भारतीय टीम के खिलाफ श्रीलंका बेशक इस मैच को नहीं जीती है, लेकिन मेरे लिए श्रीलंका ने जीतने वाला कार्य कर दिया है, क्योंकि उनके पास इस मैच को जीतने का मौका नहीं था। ऐसे में इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सम्मान के तौर पर उन्हें अवार्ड अपना देना चाहता हूं, क्योंकि इसके असली हकदार श्रीलंका के कप्तान हैं। तो दोस्तों, रोहित शर्मा के इस दिल जीत लेने वाले मोमेंट को देख आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत मिल चुकी है। कोलंबो के मैदान पर खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 50 ओवर में 230 रन 8 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए मैदान पर आई भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ शुरुआत की, जिसमें रोहित शर्मा ने 58 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को भारत ने जीत लिया। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ जहर उगला है, जिसमें कप्तान असलंका ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को मिली जीत ऐसी जीत मिल चुकी है, जिसमें पहले मैच के अंदर मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में हमारी टीम की तरफ से कुछ खिलाड़ियों की काफी ज्यादा गलतियां देखने को मिली थी, जिसके चलते हमारी टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम इस मैच को अपने बेहतर प्रदर्शन के चलते नहीं जीती है, बल्कि इस मैच को भारतीय टीम एम्पायर के पक्षपात के चलते किस्मत के सहारे पहले मैच की जीत मिली है, लेकिन भारतीय टीम ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि हम भारतीय टीम को दूसरे और तीसरे मैच में बुरी तरह से हराकर बदला जरूर लेंगे। तो वहीं दुनित वेलालांगे ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका की हमारी टीम के खिलाफ पहले मैच में जीत मिल गई है। हालांकि इस मैच में मैंने अपनी दूसरी टीम की तरफ से जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश की थी, परंतु इस मैच के अंदर हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, जिसके चलते हमारी टीम दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच में जीत के बाद काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, लेकिन अभी दो मैच बाकी हैं, ऐसे में हमारी टीम दोनों में जीत दर्ज कर भारत से बदला जरूर लेगी। तो वहीं सदीरा समर विक्रमा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका की हमारी टीम के खिलाफ पहले मैच में दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम फिर भी बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते इस मैच को जीत गई, परंतु भारतीय टीम अब काफी ज्यादा अपने आप में खुशी महसूस ना करे, क्योंकि सिर्फ भारतीय टीम को पहले मैच में जीत दर्ज करने का मौका मिला है, अभी भी दो मैच बाकी हैं। ऐसे में इन दोनों मैचों में हमारी टीम तो बेहतर प्रदर्शन कर ही सकती है, और बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ ही हमारी टीम भारत को बुरी तरह से परेशान करने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम सीरीज के पहले मैच को जीत गई है, लेकिन हमारी टीम अब दोनों मैच में जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं कुशल मेंडिस ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका की हमारी टीम के खिलाफ पहले मैच में इस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन भारतीय टीम इस सीरीज के पहले मैच को बेहतर तरीके से जीत गई है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम पहले मैच को तो जीत गई है, लेकिन अभी बाकी के दो मैच में भारतीय टीम का पहला मैच की तरह बेहतर प्रदर्शन देखने
को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं और मुझे लगता है कि भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन दूसरे और तीसरे मैच में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम भारत की कमजोरी समझ गई है, जिसके चलते हम जीत दर्ज करेंगे।